कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं टिम अब पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है। वह अपनी पत्नी कैरल और उसकी दो बेटियां तबीता और टीना के साथ रहता है। टिम का छोटा भाई टेड अब एक पूरी तरीके से एक सफल इंसान बन चुका है। वह एक बड़ी कंपनी में सीईओ बन चुका है। टिम अपने बचपन को बड़ा मिस करता है। टिम अपने बचपन को जब याद करता है तो वह अपनी छोटी बेटी तबीता को अपने बचपन की कहानियाँ सुनाता है। टिम की बेटी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, इसलिए उसे टिम की कहानियों में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक रात को टिम अपनी छोटी बेटी टीना के रूम में जाता है। वह देखता है कि टीना बोल रही होती है। वह ये देखकर घबरा जाता है और वह समझ जाता है टीना भी एक बेबी बॉस है जैसे टेड था। फिर टीना टिम को बताती है कि वो भी बेबी कॉप है और वह एक मिशन के लिए आई है क्योंकि बेबी पे फिर से खतरा मंडरा रहा है और उसे टिम और टेड की दोनों की जरूरत है क्योंकि वह दोनों भी पहले ये सब देख चुके होते हैं। और टीना टिम को बोलती है कि वह कॉल करके टेड को बुलाए क्योंकि उसे लगता है कि टेड इतना बिजी होने के बाद वहाँ पे नहीं आएगा। मगर टीना टिम की वॉइस को रिकॉर्ड करके और एडिट करके एक वॉइस मेल भेज देती है टेड के पास। और अगले ही दिन हम सुबह में देखते हैं कि बड़ा सा हेलीकॉप्टर टिम के घर के बाहर आ जाता है। उसमें से टेड उतरता है और टेड बताता है कि उसे टिम का एक वॉइस मेल आया है। यह सुनकर टिम समझ जाता है कि ये वॉइस मेल टीना ने किया है। मगर टिम टेड को बोलता है कि शायद गलती से यह मैसेज उसके पास चला गया होगा। और फिर वह दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और टिम टेड को बताता है कि टीना भी एक बेबी बॉस है जैसे पहले वो था। और टेड को लगता है कि टिम बहकी बहकी बातें कर रहा है बस। तभी टीना एक गैजेट की मदद से टिम और टेड को बेबी वर्ल्ड ले जाती है। वहाँ पे जाते ही टेड को सब कुछ याद आ जाता है और टीना टेड को बताती है डॉक्टर आर्मस्ट्रांग ने एक स्कूल ओपन किया है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से पढ़ाई कराई जाती है बच्चों से क्योंकि फ्यूचर के कंपटीशन को लेके सारे पेरेंट्स भी उसी स्कूल में अपने बच्चों को डाल रहे हैं। टीना ये दिखाकर बोलती है कि उसे ये सब ठीक करने के लिए उन दोनों की मदद चाहिए और उन लोगों ने एक केमिकल बनाया होता है जिसे वह पी के 48 घंटों के लिए बच्चे बन जाएंगे और वह चीज़ को पीकर वह दोनों छोटे हो जाते हैं। उनकी आवाज़ और उनका दिमाग अभी भी पहले जैसा है। इसी देर में उसकी वाइफ घर पर आ जाती है। टिम अपनी वाइफ को बोल देता है कि वह एक ट्रिप पे जा रहा है क्योंकि वह काफी टाइम बाद टेड से मिला है। मगर वह दोनों कहीं नहीं जाते। टिम उन दोनों को एक ऑडियो रिकॉर्डर और एक कैमरा देती है और ये दोनों चीजें उस डॉक्टर कमरे में रखते हैं। सुबह होते ही उन दोनों की स्कूल बस मिस हो जाती है। उनकी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती थी इसलिए उसकी वाइफ उसको लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी टेड अपने घोड़े को वहाँ बुलाता है और फिर वह दोनों उस घोड़े पर बैठकर स्कूल पहुँच जाते हैं। टेड रास्ते में पैसे देकर दो यूनिफॉर्म खरीद लेता है। स्कूल पहुँचकर वह देखते हैं डॉक्टर ने दो पार्टों में स्कूल को बांट रखा है। सबसे कम दिमाग वाले येलो ग्रुप में होते हैं, सबसे ज्यादा दिमाग वाले ब्लू ग्रुप में होते हैं। यह देखकर टेड बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ब्लू ड्रेस उसके ही पास है, येलो ड्रेस टीम के पास होती है। मगर टीम वहाँ पे बैच चेंज कर लेता है और खुद ब्लू ग्रुप में चला जाता है और टेड को येलो ग्रुप में छोटे बच्चों के साथ जाने देता है। वह क्लास में पहुँच जाता है और देखता है क्लास में एक रोबोट आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। वह रोबोट टीम से उसका नाम पूछता है। टीम उसको अपना नाम मैकॉस बताता है। फिर पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। टीम को लगता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का ही पढ़ाया जाएगा मगर वहाँ पे मेडिकल और फिजिक्स जैसी सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। टीम ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि इतने छोटे बच्चों को इतनी मुश्किल पढ़ाई स्टार्टिंग से ही पढ़ाई जा रही है। उसकी क्लास में उसकी बेटी टबीता भी होती है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चनों के आंसर दे रही होती है। ये देखकर टिम तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। अब टिम वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है कैसे वो जाके प्रिंसिपल के रूम में कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर रख दे। इस कारण टिम बैड बॉय बनने की एक्टिंग करने लगता है ताकि वह रोबोट टीचर उसे प्रिंसिपल के रूम में भेज दे। मगर ऐसा नहीं होता। वह टिम को एक कमरे में बंद कर देता है और दूसरी तरफ हमें टेड दिखाया जाता है जो बाकी छोटे बच्चों के साथ एक कमरे में होता है। टेड भी वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और उसे एक विंडो दिख जाती है और टेड वहां से प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाता है। वह प्रिंसिपल भी एक बच्चा ही होता है जो रोबोट सूट पहनता है और वह प्रिंसिपल टेड को बताता है कि वह काफी टाइम से टेड पे नजर रखा हुआ है और प्रिंसिपल को लगता है कि टेड भी उसी की तरह काफी दिमाग वाला है और वह टेड को स्कूल के बाद एक जगह पे बुलाता है। बाद में टिम अपनी बेटी को देखता है जो अपनी माँ के साथ गाड़ी में घर जा रही होती है। तभी टिम उसे बोलता है कि वह भी एक बहुत ज्यादा गरीब परिवार से है और वह ठंड में पैदल अपने घर जाएगा। तभी कैरल उसे बोलती है कि वह डिनर के लिए उसके घर पे आ सकता है और टेड प्रिंसिपल की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे उसे कई सारे निंजा बच्चे मिलते हैं जो उसे मारना चाहते हैं। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है और टेड को बचा ले जाता है। प्रिंसिपल अपना पूरा सेंटर टेड को दिखा देता है। टेड फिर उससे पूछता है तुम इन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ से लाते हो। तो प्रिंसिपल उससे बोलता है
कि वह सब छोटे बच्चों से कोडिंग करवाता है और एप्स बनवाता है। वह एप्स काफी महंगी रूपों में बेच देता है। हेड प्रिंसिपल से पूछता है कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा है और इतने सारे एप्स बनाते हो तो तुम स्कूल क्यों चलाते हो। तभी प्रिंसिपल बोलता है वह एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा है जिसका उसे तरीका मिलते ही वह बड़ों को हटा देगा और पूरी दुनिया पे सिर्फ बच्चों का ही राज होगा। तभी टीना टेड को एक लेटर देती है जिसमें टिम ने लिखा था कि टेड वापस आ जाए। टेड ये सब पढ़ लेता है और इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पे टिम आ जाता है और टेड उसे डॉक्टर और उसके बीच की सारी बात बता देता है। तभी वह तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं एक प्रोग्राम में जाके वह उसे पकड़ लेंगे। जब वह तीनों एक प्रोग्राम में जाते हैं तो डॉक्टर टेड को बताता है कि उसने एक ज़ॉम्बी बनाने वाली ऐप बना ली है जिससे सभी बड़ों को ज़ॉम्बी बना देगा। और टेड ये टीना को बताता है। टीना टेड को बताती है कि वहाँ पे एक लीवर है, वो उसे खींच के पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर सकता है जिससे कि वह ऐप किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगी। और जब टेड वह लीवर खींचता है तो वहाँ पे कई सारे निंजा बच्चे फिर से आ जाते हैं और टेड को पकड़ लेते हैं। प्रिंसिपल बताता है कि उसे पहले से ही पता है उन दोनों के बारे में। और तभी लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। टीना टबीता को बता देती है कि वह एक बेबी बॉस है, वह दोनों ये सब चीजें रोक सकते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ने टेड और टीम को एक रूम में बंद कर रखा होता है जहाँ पे पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा होता है। तभी टेड को उसके घोड़े के बारे में याद आ जाता है और वह घोड़े को बुला लेता है। घोड़ा शीशा तोड़ के उन दोनों को बाहर निकाल लेता है। जब वह दोनों बाहर आ जाते हैं टीम को उसका माइक्रोफोन मिल जाता है जहाँ पे टीना टीम को बोलती है सर्वर रूम में जाने के लिए और वह दोनों सर्वर रूम की तरफ जाने लगते हैं। मगर रास्ते में फिर वही निंजा बच्चे उन्हें मिल जाते हैं और तभी वहाँ पे टेड के येलो ग्रुप के कुछ दोस्त आ जाते हैं और सभी निंजा बच्चों को संभाल लेते हैं। मगर वहाँ पे डॉक्टर भी आ जाता है और टीम और टेड को पकड़ लेता है और वहाँ पे टीना और तबीता भी आ जाती हैं और टीना और तबीता कंप्यूटर के पास पहुंच जाते हैं कंप्यूटर बंद करने के लिए। मगर वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और कंप्यूटर को तोड़ देता है और तभी टीम फायर अलार्म खींच देता है जिससे कि पानी गिरने लगे और सारे कंप्यूटर अपने आप खराब हो जाएं। मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि डॉक्टर ने पानी का बिल ही नहीं दिया होता है। और तभी वह कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है उन लोगों को चिढ़ाने के लिए। मगर टीना वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक छीन कर पूरे कंप्यूटर पर फैला देती है जिससे कि सारे कंप्यूटर ऑटोमेटिक खराब होने लगते हैं और धीरे धीरे सभी लोग ठीक होने लगते हैं। फिर डॉक्टर को वह लोग पकड़ लेते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है क्रिसमस का दिन होता है मगर वहाँ पे टेड नहीं होता है। सारे लोग टेड को मिस कर रहे होते हैं। तभी डोर बेल बजती है। टीम जब डोर की तरफ जाता है तो देखता है कई सारे गिफ्ट के साथ टेड भी वहाँ पर होता है और वह दोनों बच्चों की तरह बर्फ में बाहर खेलने लगते हैं। इस तरह से मूवी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।